रिकॉर्डिंग का लिंक है, आप वहां से एक्सेस कर लीजिएगा। मैम मुझे टाइम नहीं मिला कि मैं असेस कर सकती, कल भी वेबिनार था, तो थोड़ा सा अगर आप उसमें थोड़ा सा ऐड कर देंगी तो मुझे समझ आ जाएगी। ठीक है, ठीक है। अच्छा, हम आज के लेक्चर शुरू करते हैं। हमने जो लास्ट टॉपिक देख रहे थे वो बेसिकली हमने मंडे को लिंक्ड लिस्ट देखी थी, और उसमें हमने कुछ डिफरेंट उसके टाइप्स देखे थे, और ए टाइप्स पे हमने ऑपरेशंस देखे थे, कैसे परफॉर्म कर सकते हैं सिंगल लिंक्ड लिस्ट पे। और हमने जो सिंपल कोड देखा था कि लिंक लिस्ट को कैसे क्रिएट करते हैं, आज हम फर्दर लिंक लिस्ट के ऑपरेशन की इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे सिंगल लिंक लिस्ट की। स्क्रीन शेयर की है, फाइनल कंफर्म कीजिएगा कि मेरी स्क्रीन शेयर है। यस मैम, तो हमने जस्ट एक बेसिक कोड से देखा था कि लिंक लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं, इसमें हमने दो क्लासेस बनाई थी और देखा था। और हमने इसमें जस्ट एक पेंड फंक्शन लगाया था जिसमें हम एक नोड क्रिएट करवा रहे थे, एक लिंक लिस्ट बना रहे थे, वन बाय वन एक एक नोड को ऐड करवा रहे थे, और प्रिंट लिस्ट का फंक्शन लगाया था जिसमें हम अपनी लिंक लिस्ट को प्रिंट करवा रहे थे। इसी कोड के आगे हम आज मूव ऑन करने लगे। ये बेसिक इंट्रो था जो हमने मंडे को किया, ट्यूजडे को हमारी क्लास नहीं हुई थी क्योंकि वेबिनार था एक, और हम मंडे वाले लेक्चर का दोबारा करेंगे और कल हम लीड कोड क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। तो हमने जल्दी से आज से थोड़ी वाइंड अप करना है ताकि हम कल लीड कोड क्वेश्चन की तरफ मूव कर चुके। उससे पहले मैंने मंडे वाली क्लास में मेंशन किया था, आई थिंक मैम मरियम है, उन्होंने अपना क्वेश्चन मेंशन किया था, लेकिन वो लिंक लिस्ट से रेलेवेंट नहीं है। तो इस दफा ये है कि जिस वीक का टॉपिक हो वो उसी के रेलेवेंट क्वेश्चन प्रेजेंट किया जाए। तो जिसने भी फ्राइडे को क्वेश्चन प्रेजेंट करना है वो लिंक लिस्ट के रेलेवेंट प्रेजेंट करे। अच्छा, हम ऑपरेशन की तरफ मूव ऑन करते हैं। हमने इन ऑपरेशन का देखा थ्योरेटिकली भी और ये कैसे वर्कआउट करते हैं, आज हम इम्प्लीमेंटेशन में देख लेते हैं। इंसर्शन अब थ्री डिफरेंट टाइप्स की होती थी, ये भी हमने देखा था। या तो हम बिगनिंग में कर रहे हैं, पहला नोड ही वो हो, या फिर हम लास्ट पे कर रहे हैं, या फिर हम किसी स्पेसिफिक पोजीशन पे कर रहे हैं। हम जो बिगनिंग पे कर रहे हैं, बाकी कोड ये सारा वही है जो हमने देखा हुआ है। पेंड का फंक्शन है, एक नोड क्रिएट होगा, इसमें जिसमें एक फंक्शन ऐड किया है इंसर्ट एट बिगनिंग पे। बिगनिंग में क्या होगा, ये हम एक नोड की क्लास को कॉल करवा रहे हैं, और ये काम क्या करेगा, एक न्यू नोड बना देगा, इसमें एक डेटा होगा, एक नेक्स्ट होगा। ये सिंगल लिंक लिस्ट है तो इसमें जस्ट नेक्स्ट का पॉइंटर होगा। जब ये नोड बन जाएगा तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास हेड होता है ना वो फर्स्ट नोड को पॉइंट आउट कर रहा होता है ना, तो हेड के पास पहले नोड का पॉइंटर है। तो मैं जो न्यू नोड बनाया है उसको मैं पहला नोड बनाना चाहती हूँ, तो उस नोड के नेक्स्ट में जिसके पास हेड का पॉइंटर है वो वाला डाल दूंगी। तो जो न्यू नोड का नेक्स्ट हो जाएगा वो उसके पास उसका नेक्स्ट आ जाएगा जो लिंक लिस्ट के अंदर पहले था। लेट्स सपोज हमारा एक नोड 10 है, एक 20 है, ये हमारे पास एक नोड 20 है और ये एक नोड 10 है। इस 10 के पास नेक्स्ट का पॉइंटर है और जो हेड है वो इसको पॉइंट आउट कर रहा है। ठीक है, जब हेड इसको पॉइंट आउट कर रहा है तो अब हमने क्या करना है, हमने 10 से पहले एक नोड ऐड करवाना है। जैसे भी मैंने एक नोड, अब मैंने एक नोड बना दिया, जब मैंने नोड की क्लास कॉल करवाई तो इसने एक नोड बना दिया, और इसके नेक्स्ट में क्या डाल दिया, अभी नन डाल दिया, ये जो ऊपर हमने दिया था आई थिंक विजिबल नहीं है, मैं थोड़ा सा कोड ऊपर करती हूँ। जैसे ही नोड के पास ये नोड की क्लास पे जाएगा, ये एक नोड बनाएगा, उसमें डेटा डालेगा जो हम पास करेंगे, लेट्स सपोज हमने 15 पास किया और उसका नेक्स्ट फिलहाल नल हो जाएगा। अभी ये नोड न्यू तो बन गया लेकिन इसके साथ लिंक नहीं हुआ, इसका जो नेक्स्ट है वो इस टाइम नन को पॉइंट आउट करें। अब हमने ना इस नोड को इसके साथ लिंक करवाना है, अपनी लिंक लिस्ट के साथ। तो हम क्या करेंगे, हम
अपना जो हम फंक्शन करते हैं, जब हमारी नोट की क्लास कॉल हो जाएगी। अच्छा, ये जब नोट की क्लास कॉल होगी, यहाँ पे हमारा कोड आएगा, यहाँ पे ये न्यू नोट इसने बना दी। अब हमने इस नोट को यहाँ बिगनिंग पे लेके आना है 10 से पहले, तो ये नोट पहले लेट सपोज 1 था और ये सेकंड था। अब जो न्यू नोट आएगा 1, तो इसमें बनना है, ये बिगनिंग पे आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, हेड तो हमेशा पहले वाले पॉइंट नोट को पॉइंट आउट करता है ना, तो हम क्या करेंगे, जो हेड है उसको इसकी पॉइंट आउट करवा देंगे। कैसे करवाएंगे, सेल्फ डॉट जो हेड होता है ना, वो बेसिकली पहले नोट को पॉइंट आउट कर रहा होता है। तो मैं ये कह रही हूँ इसके पास पहला नोट एड्रेस स्टोर है, इसका नेक्स्ट तो जब नोट ने बनाया था तो नन था। मैं क्या करूंगी, इस नोट के नेक्स्ट पे क्या स्टोर करवा दो, सेल्फ डॉट हेड। नहीं, सेल्फ डॉट हेड पहले नोट को पॉइंट आउट कर रहा है ना, तो मैं चाहती हूँ जो न्यू नोट आया है इसका नेक्स्ट पे ये वाली वैल्यू हो जाए, ये न्यू नोट को पॉइंट आउट करने लग जाए। तो सेल्फ डॉट जो हेड होगा वो फर्स्ट नोट को पॉइंट आउट कर रहा है, जब हम इसको नोट की जो न्यू नोट बनाए इसके नेक्स्ट में सेल्फ डॉट हेड स्टोर करेंगे, तो इट्स मीन ये नोट इसको पॉइंट आउट करने लग जाएगा। और अब सेल्फ डॉट हेड को हमने खत्म करना है, इसका हम क्या करेंगे, सेल्फ डॉट हेड को किसके थ्रू पॉइंट करवा देंगे, इधर से खत्म करके हम क्या करेंगे, एक डिफरेंट पॉइंट कलर यूज कर दें, इधर से हम खत्म करेंगे इसको। और मैं क्या कहूंगी, हेड को जो सेल्फ डॉट हेड है उसको न्यू नोट पॉइंट आउट करवा दो, मीन्स के अब हेड इस न्यू नोट को पॉइंट आउट करो, ये बैकएंड पे ऐसा होगा जैसे बिगनिंग का काम। बाकी कोड वही सारा लिखा हुआ है, आप बिगनिंग को भी एक दफा जरूर पाइथन ट्यूटर में करके देखिएगा, ये सारा फाइल शेयर हुई भी है, स्लैक चैनल में पिन है। मैं बाकी के हम एक दफा बाकी सेशंस भी देख लेते हैं कैसे होते हैं, क्योंकि हमने कल लीड के क्वेश्चन स्टार्ट कर दिए। तो अच्छा, अगेन सेशन हमने बिगनिंग देखी, बाकी सारा कोड वही है लिंक लिस्ट का। अब हम मूव करते हैं, हम इसको रन कर देते हैं, तो आप देखिएगा ये रन होके एक हमारी लिंक लिस्ट 10, 20, 30 थी पहले थी, और जब हमने न्यू नोड बनाया था ये बिगनिंग फेस ने डाल दिया। ये प्रिंट का फंक्शन जस्ट हमने देखा था, ये प्रिंट करवा रहा होता है, अपेंड का फंक्शन जस्ट अपेंड करवा रहा होता है, और ये हमने स्पेसिफिक फंक्शन लिखा है जो हमारे लिंक लिस्ट के स्टार्ट में अपेंड करवाएगा। अच्छा, बेसिक्स भी ये हमने कल देखी थी, ये हमारी लिंक लिस्ट की क्लास बनी है, तो हमने जैसे ही अपनी क्लास की फंक्शनैलिटी को अगर यूज करवाना है तो हम एक उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जैसे एक वेरिएबल, उसके अंदर ये लिंक लिस्ट कॉल करवा देते हैं, और उस ऑब्जेक्ट से हम क्या करते हैं उसके सारे फंक्शन और प्रोसेस कर सकते हैं। तो इस एलवल का मतलब है, ये मैं अब लिंक लिस्ट के जितने भी क्लास बनी है उसके जितने भी फंक्शन है मैं एक्सेस कर लूंगी, तो अगर मुझे एक्सेस करने हैं तो मैं क्या करूंगी, L1 लिख के उस फंक्शन का नेम कॉल करवा दूंगी, ये लिंक लिस्ट के अंदर फंक्शन है अपेंड का, और इसके अंदर वैल्यू पास करवा दूंगी। फिर अगर प्रिंट लिस्ट करवानी है तो मैंने L1 से ही उस लिस्ट को कॉल करवा दूंगी। ये जस्ट एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करवाते हैं जो हमने क्लास बना दिया, उसके थ्रू फिर हम उसकी सारी फंक्शनैलिटी को कॉल करवाते रहते हैं। मैम, अच्छा, यहाँ पर आप जो ll.print 1492 हाँ डैश लगाकर लिस्ट लिखा है, तो ये जो न्यू लिस्ट बनी है उसको प्रिंट करवाएगा जिसके अंदर ये अपेंड हो चुके होंगे। जी, क्योंकि हमने ना, आपने देखा था कि हम ऐड उसी जो ओरिजिनल लिस्ट है उसी के अंदर ही हमने न्यू नोड ऐड करवाया है ना, तो अब यहाँ पे दो फंक्शन है, ये तो जस्ट कोड है जो हमारे इंसर्शन का कोड है ये वाला, जब उसने पहले प्रिंट करवाई थी तो हमारी लिंक लिस्ट के अंदर यही 3 वैल्यू थी, लेकिन जब हमने इंसर्शन करवा दी तो वो 15 भी आ गया। देखिए, बाद की इंसर्शन जो करवा रहा है वो 15 उसका पार्ट बन गया है। जी, यस मैम। अच्छा, हम नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। अच्छा, अब इंसर्शन हमने देखा, एक और टाइप की होता है कि आपने किसी स्पेसिफिक पोजीशन पे करवानी है, तो उसके लिए हमारे पास ये प्रिंट का फंक्शन, बाकी सारे कोड वही है। यहाँ पे मैं इंसर्ट एट पोजीशन पे करवा रही हूँ, ये वाला कोड है स्पेसिफिक, तो ये कोड क्या करेगा आपके पास, ये वाला कोड। अच्छा, अब हमने ना किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे करवानी है, जैसे हम कह देते हैं कि हमारे पास ना
या मैंने रोटेशन भी पास की हुई है, हम लास्ट पे देखते हैं जब हमने किस फंक्शन को कॉल करवाया। 10:20:30 था और मैंने कहा, मैंने इंसर्ट एट पोजीशन का ये फंक्शन बनाया हुआ है न्यूक्लियस क्लास के अंदर, तो मैं इसको L1 से निकाल करवाऊंगी। और मैंने इसको क्या वैल्यू भेजी, 15 इंसर्ट करवानी और सेकंड वाली मैं इसको पोजीशन भेजी हूँ 2 वाली पोजीशन। लेट्स सपोज हमारे पास एक लिंक लिस्ट बनी हुई है, एक हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक इसमें 10 वैल्यू है जो हमने बना ली, ये हम दो ये लिंक लिस्ट हम क्रिएट करवा रहे हैं। इसमें नेक्स्ट का एड्रेस है, दो चीज होती है। अब जो नेक्स्ट एक नोड है इसमें वैल्यू 2 है, 20 है सॉरी, मैं ये रैंडम वैल्यू लिया, आप इंटरेस्ट के अंदर कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। जस्ट मैंने 10, 20, 30 ली है। अब आपने ये जो वैल्यू ली हुई है, अब ये थर्ड नोड जो है वो 30 है उसकी वैल्यू, और इसका नेक्स्ट क्या है, अब नल है क्योंकि ये लास्ट नोड है, तो इसका नेक्स्ट क्या होगा ना, जिसको मैं क्या लिखूं, कैपिटल एन ओ एन टी, ये नन पॉइंट है या आप नन लिखते कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका नेक्स्ट जो है ये हम इसको फाइंड आउट करें, तो अब क्या करेंगे, हमने ये काम करना है। अब हमने ना उससे कह दिया एक तो न्यू 50 करवाना है और पोजीशन 2, अगर हम इसकी अच्छा ये एक बात आपको याद रखनी है, लिंक लिस्ट के अंदर ऐरे की तरह पोजिशनिंग नहीं होती, लेकिन हम जब पोजीशन कंसिडर करते हैं तो हम ये ज्यूम करते हैं ये 0 पे होगा, ये 1 पे, ये 2 पे, वैसे इसके अंदर कोई स्पेसिफिक इंडेक्सिंग नहीं होती जैसे लिंक लिस्ट के अंदर होती है। तो ये माइंड मैप अब 2 है तो मैंने यहाँ पे करवाना है न्यू नोड 15, तो ये 13 तो इन दोनों के बीच में है, 2 अगर यहाँ पे आएगा तो मीन्स 30 आगे जाएगा और 15 यहाँ आ जाएगा। ये जब मैंने कॉल किया ना, तो अब ये मैंने एक फंक्शन लिखा हुआ है। अब देखिए जब मैंने बार बार नोड ऐड करवाना है तो लिंक लिस्ट का ये फायदा होता है, आपने एक दफा फंक्शन बना दिया बार बार क्लास के नाम से आपने जस्ट कॉल करवा लिया। और ये जो बेसिकली ऑब्जेक्ट रिटेन प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट होता है, ये क्या होता है, आप कोड की भी यूजेबिलिटी कर सकते हैं, आपको बार बार वो चीजें लिखनी। अब जब भी मुझे कोई भी नोड इंसर्ट करवाना होगा, जैसे फंक्शन को कॉल करवा दूंगी, जैसे हमने देखा हमने 3 वैल्यू की लिंक लिस्ट बनानी थी, तो हमने बार बार अपेंड का कोड नहीं लिखा, हमने जैसे फंक्शन बना दिया अपेंड का, और बार बार 10, 20, 30 को हमने उस क्लास के कॉन्सेप्ट से हमने उसे कॉल करवा दिया। अच्छा अब हमें किसी स्पेसिफिक पोजिशन पे करना है, तो अब हमने देख लिया था कि 2 पे करना है और 15 वैल्यू पास हुई है, जो हमारी न्यू वैल्यू आ रही है वो इस टाइम 15 आ रही है, मैं उसको पिंक कलर से यूज करी है, ये एक न्यू नोड है 15। अच्छा जैसे मैंने इंसर्ट एट पोजीशन का फंक्शन कॉल किया, हमने देखा था हम 2 वैल्यू पास कर रहे हैं, डेटा वाली इसके अंदर आएगी 15 वाली, और पोजीशन एक वेरिएबल स्टोर करवा लेगा। अब ये डेटा मैंने किसको पास करना है, नोड की क्लास को, नोड की क्लास जो हमने आगे मैंने आपको दिखाई थी ऊपर डिक्लेयर की है, और डेटा मैं इसको क्या पास करूंगी 15। जैसे उसके पास डेटा जाएगा वो एक न्यू नोड क्रिएट करेगा, और हमने ये भी देखा था वो नेक्स्ट में नन स्टोर करवा देता है, इसका नेक्स्ट क्या करवा देगा, नन होगा इनिशियली। अब जब ये नोड बन गया, अब देखो सिर्फ नोड बना है, अभी नोड लिंक नहीं हुआ, पॉइंट आउट नहीं कर रहा। अब जब ये नोड बन जाता है, तो अब जब ये क्लास को कॉल करेगा और वापस बैक आएगा, तो ये नोड बन चुका होगा और वो किसमें स्टोर हो चुका है, न्यू नोड। अब देखिएगा क्या ये पोजीशन 0 तो नहीं है, अभी हमने देखा अगर ये पोजीशन बिगनिंग की हो तो हमें हेड का पॉइंटर चेंज करना पड़ता है, तो इस वजह से अगर ये पोजीशन हमारे पास 2 है 0 नहीं है, तो इसमें के फर्स्ट नोड हमने कोई फर्स्ट पोजीशन पास नहीं की कि इसे बिगनिंग में करो, तो ये कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, एल्स पे आ जाएगा और करेगा फ्रंट के अंदर एक फ्रंट का वेरिएबल हम बनाएंगे। और अच्छा आपको पता है हेड इसको फाइंड आउट कर रहा है, जो फंक्शन है वो इसको फाइंड आउट कर रहा है, हेड एम एन एक्स। अब जो करंट का फंक्शन है, मैं ये कह रही हूँ कि जो मेरे पास करंट का फंक्शन है वो किसको फाइंड आउट, उसके अंदर क्या डाल दो, सेल्फ डॉट हेड। जब मैं उसके अंदर सेल्फ डॉट हेड डाल दूँ ना, तो सेल्फ हेड जो होता है वो फर्स्ट नोड को फाइंड आउट करेगा, तो करंट क्या करना शुरू कर देगा, मेमोरी में इसी नोड को फाइंड आउट करना शुरू कर देगा, और कौन का वेरिएबल 0 है, मैं देखूंगी क्या मेरे पास करंट एग्जिस्ट करता है। हाँ हमारे पास ना करंट का देखिए नेक्स्ट पॉइंटर, हमारे पास नोड एग्जिस्ट कर रहा है, क्या काउंट 0 है, वो पोजीशन हमारे पास हमने क्या पास की थी 2, 2-1 काउंट हमारे पास 0, क्या वो 2-1 पोजीशन 2 है, -1 करेंगे तो इक्वल टू क्या आ जाएगा,
फॉर्म जीरो है तो जीरो लेस देन है, टू माइनस वन ये वन आ जाएगा, तो फॉर्म जीरो है ये लेस देन पोजिशन ठीक है। ये करंट के अंदर क्या स्टोर करवा देगा, करंट डाट। नेक्स्ट इस नोड को पॉइंट आउट करेगा जंप करंट के अंदर, करंट डाट नेक्स्ट का मतलब है आगे इस नोड से खत्म हो गए, इसको पॉइंट आउट करना शुरू कर देगा। अब हम इस वाले को अरेज कर देते हैं, अब जो करंट है ये सी करंट को डिनोट कर रहा है, अब जब इसको पॉइंट आउट करना शुरू कर देगा, अब दोबारा काउंट के अंदर वन हो जाएगा, काउंट जीरो था अब काउंट वन हो गया। जैसे ही काउंट वन हुआ तो काउंट की वैल्यू वन है, पोजीशन टू थी माइनस वन इक्वल टू वन, तो वन लेस देन वन नहीं है, ये कंडीशन फॉल्स होगी, ये बाहर आ जाएगा। देखेगा कि ऐसा तो नहीं है करंट है वो कि नन को तो पॉइंट नहीं कर रहा, लास्ट पे मीन्स वो लास्ट पे अगर चला गया है हमारी पोजीशन नहीं आई, लेट्स सपोज हमने ना ऐसा कह दिया हमारे के अंदर एक ही नोड था और हमने उसे पोजीशन थ्री दे दी, वो तो पोजीशन हमारे लिंग्स के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती, तो ये क्या मैसेज प्रिंट करवा देगा आउट ऑफ द बाउंड। लेकिन अभी तक करंट हमारे पास नन नहीं हुआ, ये तो तब तक चलेगा, पोजीशन आएगी नहीं लेकिन देखता रहेगा करंट डॉट नेक्स्ट एग्जिस्ट करता है। अभी तक करंट नन नहीं हुआ क्योंकि हमारे पास वो पोजीशन एग्जिस्ट कर रही है, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। अब आएगा न्यू नोड के नेक्स्ट में क्या स्टोर करवाएगा, करंट डॉट नेक्स्ट, ये न्यू नोड है और करंट हमारा यहाँ पॉइंट कर रहा है। न्यू नोड ये न्यू नोड के नेक्स्ट में अभी ये नन था, तो किसको पॉइंट आउट करवाएगा, करंट डॉट, करंट यहाँ है और वो नेक्स्ट किसको पॉइंट कर रहा है, 30 को, तो ये जो नल पॉइंटर होगा यहाँ से खत्म हो गया, न्यू नोड नल को पॉइंट आउट कर रहा था, ये इसको पॉइंट आउट करने लग जाएगा, क्योंकि मैंने इसे कह दिया जो ये करंट को पॉइंट कर रहा है और करंट का नेक्स्ट इसके अंदर डाल दो न्यू नोड के। अब यहाँ तक ये हो गया, ये नोड इससे लिंक हो गया, लेकिन अब हमने क्या करना है, जो करंट का नेक्स्ट है वो किसको पॉइंट आउट करना चाहिए, इस वाले नोड को, तो मैं क्या करूंगी करंट डॉट नेक्स्ट में क्या डाल दूं, न्यू नोड, जब मैं करंट के नेक्स्ट में न्यू नोड डालूंगी तो ये इसको पॉइंट आउट करना लग जाएगा, तो यूं हमारा न्यू नोड ऐड हो जाएगा। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने स्लाइड में देखा था, अगर हमने न्यू नोड ऐड करवाना तो इसका नेक्स्ट में हमने ये पॉइंट आउट करवाना है और इसके नेक्स्ट में हमने ये, एक दफा हम ये हमने देखा था, अगर हमने ये नेक्स्ट अगर हमने करवाना है तो ये हमने लिंक खत्म करना है, इसके नेक्स्ट में इसका नेक्स्ट डालना है और जो हमने न्यू नोड इंसर्ट करना है उसमें इसका नेक्स्ट डाल देंगे, तो ये बेसिकली एज इट इज इम्प्लीमेंटेशन में भी हो रहा है। अभी हम यहाँ तक देखते हैं। अच्छा अब इंसर्शन कैसे भी हो सकती है, इंसर्शन लास्ट पे भी हो सकती है, अब लास्ट में आएगा तो आपको पता है जब लास्ट नोड में हम इंसर्शन हम इसको एग्जीक्यूट करवा लेते हैं एक दफा, बाकी सारा कोड वही है जो नेहा ने एक्सप्लेन किया, उसका मैंने जैसे आपको ड्राई रन करके दिखाया बैक एंड पे कैसा हो रहा। आप खुद भी एक दफा इस कोड को पूरा कॉपी करके ना पाइथन ट्यूटर पे लिखेगा तो वो स्टेप बाय स्टेप करेगा, आप देखिएगा। वैसे मैंने यहाँ पे ये ड्राई रन इसलिए किया है, ये देखिए अब 30 से पहले क्या हो गया, 15 नोड पोजिशन टू पे ऐड हो गया जो हमने भी किया था। अच्छा अब इंसर्शन ये भी हो सकती है आपने लास्ट में करवानी है, तो लास्ट इंसर्शन इसलिए डिफरेंट होती है क्योंकि ना लास्ट नन को पॉइंट आउट कर रहा होता है, तो जब हम न्यू नोड लास्ट पे लाएंगे तो इट्स मीन कि जो पहले लास्ट नोड था उसके नेक्स्ट में जो न्यू नोड डाला है वो डालना है। लेट्स सपोज मैं इधर ड्रा करती हूँ, हो सकता है अच्छा ये 10 डाल दिया और इसका, अच्छा मैं नेक्स्ट नहीं लिख रही जस्ट पॉइंटर डाल रही हूँ, इसका नेक्स्ट जो है यहाँ पे पॉइंट आउट कर रहा है ये 20 है, ये 10 नहीं है 20 है, इसका नेक्स्ट एक लिंक लिस्ट हमने करवा ली होगी, हमने पेंट का फंक्शन लिखा हुआ है जो लिंक लिस्ट बनाएगा जो हमने देख चुके हैं। ये लास्ट वाले का जो नेक्स्ट होता है वो किसको पॉइंट कर रहा होता है, नल को, या नन कह दे नल कह दे एक ही बात है, मैं एन चू लिखती हूँ। अब जब मैंने न्यू नोड लास्ट पे लाना है तो इट्स मीन इसका नेक्स्ट नल नहीं होगा, इसका नेक्स्ट क्या हो जाएगा, जो मैं न्यू नोड लाऊंगी और न्यू नोड का नेक्स्ट नल होगा, ये जस्ट हमें चेंजेस करनी होती है। एक दफा मैं फिर से स्लाइड पे दिखा देती हूँ, क्योंकि एक ये देखें ये लास्ट नोड है, ये इसका नेक्स्ट और नल को पॉइंट आउट करा है, जब मैं न्यू नोड करवाऊंगी तो उसका नेक्स्ट नल पे होना चाहिए क्योंकि अब वो लास्ट पे आ रहा है, और ये जो पहले लास्ट पे था इसके नेक्स्ट में ये क्या हो जाएगा, ये 15 आ जाएगा। अब ये काम हम कोड में देखते हैं कैसे हो रहा है, अच्छा वही सारा काम है। अच्छा ये जो काम है ना लास्ट वाला, इसको हमें ना करने की
यहाँ मैंने कोड स्पेसिफिक क्यों नहीं लिखा, क्यों, क्योंकि जो अपेंड का फंक्शन है वो ऑलरेडी ही लास्ट में ऐड कर रहा होता है, हमने ये देखा था, तो स्पेसिफिक कोड मैंने नहीं लिखा। अगर आप फंक्शन क्रिएट करवाना चाहते हैं तो करवा के जस्ट अपेंड के फंक्शन को दोबारा करवाएं, और हमें ये पता है कि अपेंड का फंक्शन जब भी न्यू नोड बनाता है वो लास्ट में बनाता है, तो ये वही इम्प्लीमेंटेशन है, न्यू नोड बनेगा। अच्छा, न्यू नोड ये भी हो सकता है जो हम लास्ट पे अपेंड करवा रहे हैं, हो सकता है वो पहला नोड हो, पहले से एग्जिस्ट ना कर रहा हो, अगर वो पहला है इस मीन तो हेड एग्जिस्ट नहीं करता, तो हमने हेड को किसको पॉइंट करवाना है, उस न्यू नोड को, ये हमेशा फर्स्ट टाइम होगा। लेकिन हमारे 3 नोड पहले से आ चुके हैं, अब हमने 15 नोड करवाना है, तो ये 15 नोड जब आएगा ना, करंट के अंदर क्या डालेगा, मैं इसको एक दफा दोबारा से करवा देती हूँ, वैसे ही वही है जो हमने कल किया था। करंट के अंदर क्या पॉइंट करेगा, सेल्फ डायरेक्ट, मीन्स वो ये कह रहा है करंट जो पॉइंटर है वो फर्स्ट नोड को पॉइंट आउट करने लग जाए। अब ये देखेगा क्या करंट का नेक्स्ट एग्जिस्ट कर रहा है, ये करंट है और इसका नेक्स्ट ये इसको पॉइंट कर रहा है, तो इट्स मीन ये करंट का नेक्स्ट एग्जिस्ट कर रहा है। व्हाइल कंडीशन टू ये और क्या करेगा, अब करंट डॉट नेक्स्ट को क्या करंट के अंदर करंट इसको पॉइंट आउट कर रहा है, जब मैं करंट डॉट नेक्स्ट कहूंगी तो इट्स मीन ये करंट इसको पॉइंट आउट करने लग जाएगा। अब मैंने ये रेस कर देना है क्योंकि अब ये उसको पॉइंट आउट करने लग गया। अब देखिएगा दोबारा से क्या करंट का नेक्स्ट एग्जिस्ट करता है, अब करंट ये हो गया तो इसका नेक्स्ट हाँ एग्जिस्ट कर रहा है, तो दोबारा तो ये व्हाइल लूप तब तक चलता रहेगा जब तक करंट का नेक्स्ट एग्जिस्ट करेगा। अब करंट डॉट नेक्स्ट में करंट के अंदर करंट इसको पॉइंट कर रहा था, तो करंट डॉट नेक्स्ट क्या है 30, तो ये करंट इसको पॉइंट आउट करने लग जाएगा 34। हम इसको खत्म कर देते हैं। अब दोबारा से क्या हो गया, अब देखिएगा क्या करंट का जो नेक्स्ट एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं, अब करंट का नेक्स्ट क्या है, नल, ये लूप वाइड आ जाएगा और करंट के नेक्स्ट में क्या डाल देगा, करंट का नेक्स्ट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, नल है, तो इट्स मीन ये लास्ट नोड है, तो इसके नेक्स्ट में क्या डाल देगा, वो जो यहाँ पे न्यू नोड क्रिएट हुआ था वो मैंने यहाँ बनाया ही नहीं, वो 15 बना था जो हमने पास किया था और उसका नेक्स्ट फिलहाल नल था, इसके नेक्स्ट में यहाँ को खत्म करेगा और इसके नेक्स्ट को किसको पॉइंट करवा देगा, इस न्यू नोड, यहाँ तक हो गया। अब मैं चाहती हूँ कि इसका नेक्स्ट जो है अब ये मुझे नहीं नल करना पड़ रहा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हमने क्या किया हुआ है, नन किया हुआ है, जब हम न्यू नोड बना रहे हैं तो हम बाय डिफॉल्ट देखिए हम नल करते हैं, बस ये जस्ट लास्ट पे पेन होगा, ये पेन का फंक्शन बाय डिफॉल्ट ऐसे काम कर रहा होता है क्योंकि इसने हमेशा लास्ट भी करवाना होता है, ये इंसर्शन लास्ट होती है। हम डिलीशन भी देख लेते हैं, एटलीस्ट हम सिंगल लिस्ट को आज कवर कर लें सारे ऑपरेशन। अच्छा, ये इसकी डिलीशन हो गई, तो ये पेन वैसे वही है तो इसकी 15 ये है। अच्छा, हम डिलीशन अगर हमने फर्स्ट नोड को डिलीट करवाना है, अच्छा बाकी कोड्स ये डब्ल्यू की आ गई है। अच्छा, आप ये टेबल ऑफ कॉन्टेंट बने में ये लिंक्ड लिस्ट का मतलब ये सारे इसके अंदर टॉपिक आते हैं, तो हमने अभी ऑपरेशन इंसर्शन एट द एंड किया, हम डिलीशन एट द बिगिनिंग कर रहे हैं। अच्छा, बाकी कोड वैसा ही है, ये नोड बन रहा है, ये वही काम है, अपेंड हो रहा है, हमने सिर्फ डिलीशन के फंक्शन पे आना है, पहले नोड यही होगी, हमने फर्स्ट नोड डिलीट करवाना है, 10, 20, 30 रह जाएंगे, अब हमने ये फंक्शन को कॉल करवाना है, तो हम बिगनिंग कर, इस फंक्शन ये जब कॉल होगा ये कोड कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, क्या सेट डॉट एग्जिस्ट हेड एग्जिस्ट नहीं कर रहा, इट्स मीन अगर इसका मतलब हेड एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो इट्स मीन हमारे पास लिंक एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, तो हम क्या कह देंगे कि लिस्ट तो पहले से एम्प्टी है, डिलीट नहीं हो सकता, मतलब कुछ भी डिलीट करने के लिए नहीं है। अगर ये केस नहीं है तो हम क्या करेंगे, अब हमने एक लिस्ट दोबारा से बनानी पड़ेगी, हमने ये 10 है, ये 20 है। अच्छा, ये हम सिंगल लिस्ट लिस्ट पे काम कर रहे हैं, तो इस वजह से इसमें जस्ट नेक्स्ट का ही पॉइंटर स्टोर होता है, डब्ल्यू में दोनों मैनेज हो रहे होते हैं। अच्छा, जब ये मैंने कहा सेट डॉट हेड, अब हेड तो इसको पॉइंट आउट कर रहा है हमारे पास, तो जैसे मैं अगर ये करूँ हेड इसको पॉइंट कर रहा है, अगर मैं ये काम कर दूँ हेड में हेड का नेक्स्ट डाल दूँ, ये हेड फर्स्ट नोड को है, जब हेड डॉट नेक्स्ट करूंगी तो ये हेड किसको पॉइंट आउट करने लग जाएगा, इसको, ये नोड ऑटोमेटिकली मेमोरी से खत्म हो जाएगा, जस्ट ये एक काम करना है, हेड इसको पॉइंट कर रहा है, इसका नेक्स्ट एड्रेस हेड में स्टोर करवा दूंगी, तो मींस हेड के अंदर ये वाला नोड आ जाएगा, तो ये ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। अच्छा, एक दफा ना मैं आपको यही कोड मेमोरी के अंदर बता देती हूँ कैसे हो रहा है।
हम कॉपी कर लेते हैं उसको। ये मैंने पेस्ट किया, मैं इसको विजुलाइज करती हूँ। बाकी कोड सारा सही है, सेम है, जस्ट मैं आपको एक दफा ये दिखा देती हूँ। मैं इसको वहां ले जाऊंगी जहां पे ये डिलीट काम हो रहा है। ये 76 स्टेप्स हैं, लेकिन मैं एटलीस्ट आप सबको ये कहूंगी, आप ये लिंक, इसका सारे कोड मैंने यहाँ लिखी हुई और ये शेयर हुआ है, इसको डाउनलोड करें और कॉपी मीन्स इसको डाउनलोड करके आपने इसको कॉपी बनानी है और अपनी ड्राइव के अंदर पेस्ट करनी है, तो फिर आप इसके अंदर एडिटिंग कर सकेंगे। अब आप ये देखिए, मैं अब सारा काम अभी ये अपेंड हो रहा है, नोट न्यू बन रहा है, ये हमने मंडे की क्लास में देखा था। अब यहाँ तक अपेंड हो गया, अब ये ओरिजिनल लिस्ट प्रिंट करवाएगा, ये हम इसको आगे करेंगे। अभी आपको सिर्फ मैं डिलीट की फंक्शनिंग दिखाना चाहती हूँ। ये हो गया काम, मैं पीछे जाती हूँ। ये देखिए, जैसे मैंने कॉल किया इसको, एल्बम पता है कि मैं लिंक लिस्ट की क्लास को कॉल कर रही हूँ, तो ये उसके फंक्शन के अंदर चला जाएगा, ये बिगनिंग के फंक्शन पे आ गया। अब देखिएगा हमारे पास, देखिए इधर पूरी लिंक लिस्ट बनी है, इसमें 3 नोड पड़े हुए हैं और नेक्स्ट नेक्स्ट को बंद कर रहा है, तो इसका मतलब है हमारे पास हेड तो एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये वाली इफ कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, तो अंदर वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। ये क्या करेगा, आप देखिए हेड इसको फाइंड आउट कर रहा है, तो मैं क्या कह रही हूँ, हेड फर्स्ट नोड तो कर रहा है, तो हेड का जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट मीन्स इस वाले नोड को फाइंड आउट कर रहा है, नेक्स्ट ये वाला नोड है, तो हेड के अंदर क्या ये वाला स्टोर करवा दो, तो ये देखिएगा 10 वाला ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। ये बिगनिंग से हम डिलीट करें, तो आप ये देखिए हेड किसको पॉइंट करने लग गया, 20 को, वो वाला बीच वाला खत्म हो गया नोड। अच्छा, अब हमने ना ऐसे ही अगर मिडिल से डिलीट करना हो, हाँ मैं इसको भी एक दफा रन कर देती हूँ। ये देखिए, पहले 10 20 30 था, और जब 10 डिलीट हो गया, बिगनिंग का मेन पहला नोड डिलीट करना, तो 20 30 रह गया। अब हमने डिलीशन का स्पेसिफिक पोजीशन पर डिलीट करवाना हो, तो हम क्या करेंगे, हम नोड को ना वही काम करेंगे, पोजीशन 1 पास कर रही हूँ, ये 1 वाली पोजीशन, डिलीट एट पोजीशन 1, तो 1 का मतलब पोजीशन 2 पे डिलीट होगा, क्योंकि ये 0 है ये 1, तो 20 नोड्स में डिलीट करवाना चाह रही हूँ, बाकी मेरे पास 10 और 30 रह जाएगा। 10 और 30 क्या करेगा, अगर आप ये देखिए, आप स्लाइड्स को भी एक दफा जरूर देखिएगा, मैंने इसमें सब कुछ विजुअलाइज किया हुआ है। अच्छा, अब आप देखिए, ये मैंने बीच वाला नोड अगर डिलीट करवाना चाहती हूँ, तो मैं इस नोड के नेक्स्ट में क्या डाल दूंगी, जस्ट किसका नेक्स्ट मीन इस नोड का भी नेक्स्ट में इसके अंदर अगर स्टोर करवा दूं, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये नोड ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा, ये जस्ट नेक्स्ट पॉइंटर को अगर आप उसकी जगह पे कर हो जाता है, लेकिन मैं इसका भी ड्राई रन कर देती हूँ। अब जब मैंने कहा पोजीशन 2 के 20 डिलीट करो, तो ये डिलीट एट पोजीशन का फंक्शन कॉल हुआ। अब यहाँ पे जब ये फंक्शन कॉल हुआ, तो ये क्या करेगा, ये देखेगा क्या पोजीशन लेस देन 0 तो नहीं है, अगर पोजीशन लेस देन 0 है, तो हमारे अंदर ये पोजीशन इनवैलिड पोजीशन होती है, हमने सिर्फ पॉजिटिव लेना है, तो ये पहले ये चेक करेगा, लेकिन हमारी पोजीशन वैलिड है, हमने 1 पास किया, तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। अगर ये कह रहा है कि सेल्फ डॉट हेड एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, तो कह दो कि ये लिस्ट एम्प्टी है, इसमें से हम डिलीट नहीं कर सकते पहले से, तो हमारे पास हेड एग्जिस्ट कर रहा है। अब देखेगा क्या पोजीशन इक्वल टू 0 तो नहीं है, मीन्स ऐसा तो नहीं, अगर 0 तो इसका मतलब है हमने बिगनिंग का नोड डिलीट करना है, और बिगनिंग ये होती है कि आपने ना पहला नोड है, तो उसमें हेड का कॉन्सेप्ट होता है, ये वही कोड है जो हमने अभी ऊपर किया था, हेड में हेड का भी नेक्स्ट डाल देगा, तो ये वही है। अब पोजीशन तो अगर हम पास कर रहे हैं, तो कोई भी पास कर सकते हैं, हम तो 0 भी कर सकते हैं, तो ये कोड बिटनिंग के लिए था। अगर बिटनिंग के अलावा कोई पोजीशन है, अब स्पेसिफिक हम बात करें मिड की, अगर आ जाती है, तो ये एक रन का पॉइंटर बनाएगा, और इसको सेट डॉट जब हेड पड़ेगा, तो ये पहले नोड को पॉइंट आउट करने लग जाएगा, हेड भी इसी को कर रहा है। अब अकाउंट के अंदर 0 स्टोर है, क्या देखिएगा, करंट एग्जिस्ट कर रहा है, हाँ हमारे पास देखिए करंट पॉइंट कर रहा है, इसका मतलब हमारे पास लिंक लिस्ट एग्जिस्ट कर रही है। अकाउंट 0 है, और पोजीशन क्या है हमारे पास, 1 1 -1 0 हो गया, 0 less than 0 तो नहीं है, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो ये अंदर का लूप नहीं चलेगा। ये बेसिकली इसलिए है, अगर लिंक लिस्ट लंबी है, हम 4 5 पोजीशन पे डिलीट करवाना चाह रहे हैं,
ये बेसिकली लूप करंट डॉट नेक्स्ट करता करता उस पोजीशन पे आएगा बेसिकली। तो उस पोजीशन से एक पीछे जाएगा तो, लेकिन इस केस में नहीं आ रहा क्योंकि हमारे पास में सिर्फ एक ही नोड है और हम पहले ऑलरेडी ही फर्स्ट वाले नोड पे पॉइंट आउट करें। अच्छा आप ये देखिएगा, ऐसा तो नहीं है कि करंट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा और ना ही करंट का, या तो करंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो इसका मतलब है कि वो पोजीशन आउट ऑफ बाउंड है। अब आप देखिए करंट हम यहाँ पे आ गए हैं और करंट ये काउंट है, हमने हमने करंट को यहाँ पॉइंट किया हुआ है। अगर ये कोड चेक करेगा हमारी पोजीशन, ऐसा तो नहीं है कि वो पोजीशन जो हमने भेजी है वो आउट ऑफ बाउंड चली गई, नॉट करंट। अब या तो ये तब हो सकती है या तो वो करंट एग्जिस्ट ही ना कर रहा हो या करंट डॉट नेट, लेकिन हमारे पास ये दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं तो ये कंडीशन भी फॉल्स होगी। ये सब बेसिक्स होते हैं, बेस जो हम लगाते हैं। अब ये क्या काम करेगा ये सारी कंडीशन, तो करंट डॉट नेट, मैं भी एक मिनट आप मुझे कंप्लीट करने दीजिएगा लास्ट लाइन, फिर मैं आपका क्वेश्चन लेती हूँ। जी मैम ठीक। अच्छा ये अब हमने जस्ट डिलीट करवाना है, तो करंट का जो नेक्स्ट है इस टाइम वो 20 को पॉइंट आउट कर रहा है, जो हमने अभी बात की थी। करंट का नेक्स्ट इस टाइम 20 को पॉइंट आउट कर रहा है, तो अगर मैं करंट डॉट नेक्स्ट में, मैंने इसका नेक्स्ट स्टोर करवाना है ना 30 का, तो मैं क्या करूंगी, करंट डॉट नेक्स्ट में हम दो नेक्स्ट यूज कर सकते हैं। जब मैं दो नेक्स्ट करंट का नेक्स्ट खाली यूज करती हूँ तो ये इसको पॉइंट आउट करेगा, जब मैं दो नेक्स्ट यूज करूंगी ये 30 को पॉइंट आउट करने लग जाएगा। तो मैं करंट डॉट नेक्स्ट दो दफा, नेक्स्ट का मतलब है ये वाला नोड, तो ये करंट इसको पॉइंट आउट कर रहा है लेकिन इसका नेक्स्ट अभी फिलहाल इस नोड को कर रहा है। जब मैं दो दफा नेक्स्ट करूंगी ये 30 को, इसका नेक्स्ट 30 को पॉइंट आउट करने लग जाएगा, ये नोड डिलीट हो जाएगा। ये जो सिंपल सा एक लाइन का कोड है, ये बाकी सारे बेस केस है चेक करने के लिए, क्या पोजीशन आउट ऑफ बाउंड तो नहीं है, क्या हमारे पास नेगेटिव हमने पोजीशन दे दी, क्या वो जीरो है, तो ये है। अच्छा सर अब आप अपना क्वेश्चन पूछ लें। मैम ये जो रिटर्न है इसके बाद अक्सर हम मतलब जब भी कोड लिखते हैं तो इसके बाद कुछ ना कुछ लिखते हैं, तो यहाँ पे क्यों नहीं कुछ भी आ रहा? अच्छा हम यहाँ पे कुछ रिटर्न नहीं करवाना चाह रहे, हम जस्ट कंडीशन चेक कराने, अगर पोजीशन आउट ऑफ बाउंड है। देखिए फंक्शन ने ना वापस, ये जो फंक्शन कॉल होता है ना, तो ये वापस वहां पे जाता भी है ना, यस ठीक मैम है, यस उस मैम जहाँ से डिलीट, जहाँ से फंक्शन हुआ इससे वहां पे वापस जाना है। अगर यहाँ पे फंक्शन खत्म होगा तो तब जाएगा, लेकिन उससे पहले हम कुछ वैल्यू भेजना नहीं चाह रहे, हम तो नोड डिलीट करवाना चाह रहे, हम नोड भेजना तो नहीं चाह रहे। डिलीट तो अगर पॉसिबल ही नहीं है, आउट ऑफ बाउंड कोई पोजीशन हमने दे दी है तो ये आउट ऑफ बाउंड है, तो इसका मतलब है हमने ये स्टेप पर काम ही नहीं करवाना। जैसे हम रिटर्न करेंगे तो ये बैक हो जाएगा और कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, क्योंकि हमने कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करवानी। अगर हमने कुछ करवानी होती तो यहाँ करवा देंगे। जब रिटर्न आ जाता ना, तो उसकी रिमेनिंग स्टेटमेंट जो होती है वो क्या हो जाती है, एग्जीक्यूट नहीं होती। जब पोजीशन आउट ऑफ बाउंड है तो हम ये क्यों नेक्स्ट करेंगे, वो पोजीशन एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, इस कोड तो फिर एरर आएगी ना, तो हम इसको पहले ही रिटर्न करवा देते हैं। और हमने नोट रिटर्न तो नहीं करवाना जैसे हमने डिलीट करवाना, तो इस वजह से हम रिटर्न में कोई वैल्यू नहीं लिखते। ओके अच्छा अब हम ना डिलीशन एट द एंड भी देख लेते हैं कैसे होती है। अच्छा लास्ट नोट डिलीट क्या होगा, हम देख लेते हैं। मैं कुछ इसी लिस्ट को यूज करूंगी, लेकिन इसमें से ना हम कुछ चीजें करंट को फिलहाल डिलीट कर देते हैं, लिस्ट हमारी वही रहेगी। अच्छा ये डिलीट हो गया करंट की, हम बाकी इसको देख लेते हैं, इसी एग्जांपल को हम ले रहे हैं। ये 20 का एक नोड था और ये हमारे पास नोड 30 था, और लास्ट नोड का आपको पता है नल को पॉइंट आउट कर रहा होता है नेक्स्ट। अच्छा हेड इसको पॉइंट आउट कर रहा है इनिशियली, अब हम इसको खत्म कर देते हैं। इनिशियली हेड फर्स्ट नोड को पॉइंट आउट कर रहा होता है ये हमने देख लिया, और बाकी हम इस लाइंस को भी रिमूव कर देते हैं। अब हमने जब डिलीट लास्ट का फंक्शन कॉल करवाया, आप ये देखिएगा मैंने यहाँ पे कॉल करवाया हुआ है, ये ओरिजिनल लिस्ट है। अब मैं डिलीट लास्ट का फंक्शन कॉल करवा रही हूँ, जैसे ही ये डिलीट लास्ट का फंक्शन कॉल होगा तो हमारे पास ये यहाँ पे आ जाएगा, डायरेक्ट यहाँ पे आएगा। अब हम नोड डिलीट करवाए तो क्या देखेगा, ऐसा तो नहीं कि हेड एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। अगर हेड नॉट सेल्फ डॉट हेड मीन्स हेड अगर नन को पॉइंट आउट करे तो इट्स मीन
हेड हमारे पास लिंक लिस्ट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। अगर हेड के अंदर कोई नोड पड़ा हो तो वो एग्जिस्ट कर रही। वो कह रहा है अगर हेड है ही है तो इसका मतलब है हमारी आगे पास लिंक लिस्ट ही नहीं है। तो क्या कह दो, लिस्ट एम्प्टी है, हमारे पास डिलीट नहीं हो सकता, और रिटर्न कर दे यहाँ से। बाकी स्टेटमेंट का इंक्लूड होने की जरूरत ही नहीं। अगर ये देखिए हेड एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन अगर हेड का नेक्स्ट हेड इसको पॉइंट आउट कर रहा है और फर्स्ट नोड को, और इसका नेक्स्ट ये बनता है, क्या ये अगर ये भी एग्जिस्ट नहीं करता पहला ही नोड, लेट्स सपोज इसको तो एक और से भाषण देता। अब जो हेड है इसको पॉइंट आउट कर रहा है, अगर मैं हेड के नेक्स्ट की बात करूँ तो ये सेकेंड नोड बनेगा। अगर हेड का नेक्स्ट मीन्स सेकेंड नोड एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो इस ये बात ये चेक करिए कि जस्ट एक ही नोड है। अगर एक ही नोड है तो हम क्या करेंगे, ये एक नोड है हमें इसी को डिलीट करवाना है, तो हेड इसको पॉइंट आउट करें, मैं हेड को क्या कर दूंगी, नन। तो ऐसे हेड को नन करूंगी, एक ही नोड है डिलीट हो जाएगा। इट्स मीन एक ही नोड है और वही एज अ लास्ट कंसिडर हो रहा है, वही नोड एज अ बिगनिंग भी कंसिडर हो रहा है, तो मैं हेड को नन पॉइंट आउट कर दूंगी। अगर ऐसा नहीं है, एक एक नोड नहीं है, मतलब मल्टीपल नोड हमारे पास लिस्ट के अंदर एग्जिस्ट करें, और बेसिकली हमारा यही केस है, तो वो ये वाला काम करेगा। करंट के अंदर क्या स्टोर करवाएगा, अब हम हाँ, करंट के अंदर क्या स्टोर करवाएगा, वो सेल्फ डॉट हेड मीन्स वो ये कह रहा है कि करंट इसको पॉइंट आउट करने लग गए हेड फर्स्ट नोड को, क्योंकि हेड भी तो वही होता है जो फर्स्ट नोड को पॉइंट आउट कर रहा होता है। जब मैं सेल्फ डॉट हेड करंट को कहती हूँ तो इसका मतलब ये होता है कि करंट हेड को पॉइंट आउट कर लग गया। अब हम ये देखेंगे क्या करंट का नेक्स्ट एग्जिस्ट कर रहा है। हाँ ये देखिए करंट का हमने एरो नहीं बनाया, लेकिन ये एग्जिस्ट कर रहा है, ये हमारी पूरी लिंक लिस्ट है इस टाइम 10, 20 और 30 के हमने बनाई है। तो करंट ये है और इसका नेक्स्ट देखिए 20 एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये कंडीशन ट्रू होती है, तो ये क्या करेगा। और ये भी देखिएगा करंट का नेक्स्ट का भी नेक्स्ट, करंट का नेक्स्ट ये और इसका भी नेक्स्ट एग्जिस्ट कर रहा है, ये दोनों कंडीशन ट्रू हो रही है, तो एंड का मतलब दोनों का ट्रू होना जरूरी है, तो व्हाइल लूप के अंदर आ जाएगा। और करंट के अंदर क्या स्टोर करवा देगा, करंट डॉट नेक्स्ट। अब करंट इसकी बजाय किसको फाइंड आउट करने लग जाएगा, इसको, और यहाँ से इसका रिलेशन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। मैं इसको भी पिंक कर देती हूँ। तो जब करंट डॉट नेक्स्ट करूंगी तो ये बेसिकली करंट इसको फाइंड आउट करने लग जाएगा। अब दोबारा जाएगा, क्या देखेगा, करंट का नेक्स्ट एग्जिस्ट कर रहा है, ये करंट है और इसका नेक्स्ट 30 एग्जिस्ट कर रहा है। क्या ये देखेगा करंट का नेक्स्ट का भी ये नेक्स्ट है और इसका इस नोड का भी नेक्स्ट एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं ये तो नल है। ये देखिए आप, ये बेसिकली ये बताता है, ये डबल नेक्स्ट लगाने का मतलब ये है कि जब एक नोड एग्जिस्ट करेगा तो अगले का हम नेक्स्ट देखेंगे तो एग्जिस्ट करे नहीं, ये नल को फाइंड आउट करे। नल का मतलब है वो नहीं करा, ये बेसिकली हम नल पोजिशन फाइंड आउट करना चाह रहे हैं इस डबल नेक्स्ट से, तो ये नहीं कर रहा, ये कंडीशन फॉल्स हो गई, ये लूप दोबारा अंदर नहीं जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। अभी आप देखिए करंट हमारे पास इसको फाइंड आउट कर रहा है, तो करंट डॉट नेक्स्ट, करंट इसको फाइंड आउट कर रहा है और इसका नेक्स्ट इस नोड को है, ठीक है। अब मैंने ये नोड डिलीट करवाना है, तो अगर मैं इस नोड को नल पॉइंट आउट कर दूं तो ये नोड ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, डिलीट। करंट डॉट नेक्स्ट में मैंने क्या करवा दिया, नल, तो ऑटोमेटिकली ये वाला नोड इसको नेक्स्ट पॉइंट आउट करा था, लेकिन मैंने क्या कहा इसके नेक्स्ट में नल डाल दो, ये ऑटोमेटिकली ये नोट डिलीट हो गया बिल्कुल। ये डिलीशन लास्ट से थी। और अगर हम देखते हैं सर्चिंग को, हम देख लेते हैं कैसे होती है। अब हमने ना अगर कोई नोट सर्च करना है, ये हम करंट का पॉइंटर खत्म कर देते हैं। अगर हमने ना ये लिंक लिस्ट पढ़ी भी, आप देख ली ये नोट है हमारे पास, और हमने ना इसमें से कोई वैल्यू सर्च करनी है और हमने अपना टारगेट भेज दिया है। अब आप देखिए दोबारा से मैं इसको कॉल करूंगी, मैं इसको एक दफा रन कर देती हूँ जो हमने लास्ट डिलीशन की थी। आप ये देखिए ये ओरिजिनल लिस्ट 10, 20, 30 थी, जब मैंने उसके पहले लिस्ट प्रिंट करवाई है, फिर मैंने डिलीट लास्ट का फंक्शन कॉल कराया तो उसने 30 नोट डिलीट कर दिया। जब मैंने दोबारा प्रिंट करवाई है तो जस्ट दो नोट रह गए, लास्ट वाला डिलीट हो चुका है। ये देखिए अब हम सर्चिंग का ऑपरेशन परफॉर्म करना चाह रहे हैं। ये मैंने गलती से ई लिखेंगे। अच्छा हम इसको रन करते हैं, हम ना टारगेट पहले भेजे, हमने ना कोई नोड सर्च करना है, उसकी पोजीशन फाइंड आउट करनी है, जैसे नोड 30 है।
मैंने टारगेट, मैंने एक सर्च का फंक्शन बनाया हुआ है, और ये देखिए टारगेट वैल्यू 3 और सर्च का ये फंक्शन बनाया, उसको कॉल करी और भेज रही टारगेट वैल्यू। तो मैं बता रही हूँ कि ये 30 है, उसकी नोड की पोजीशन है, तो ये 0 पे, ये 1, ये इसकी पोजीशन अब 2 होनी चाहिए। बेसिकली पोजीशन 0 से कंसिडर होती है, बेसिकली इंडेक्सिंग नहीं होती, ये बात आप जरूर याद रखिए। जैसे ही कि मैं इसको कॉल करूंगी इस फंक्शन को, तो ये टारगेट सर्च वाले फंक्शन पे चला जाएगा। ये सर्च का फंक्शन है, टारगेट वैल्यू 30 पास हुई है। टारगेट हमारे पास क्या पास हुआ है, मैं इसको टी से डिनोट कर रही हूँ, और ये वैल्यू इसके पास क्या आई है, 30। करंट के अंदर किसको पॉइंट करवाएगा, हेड को, हेड मतलब फर्स्ट नोड को पॉइंट आउट करने लग गया, और पोजीशन 0 से इनिशियलाइज होगी। जब तक करंट है ये लूप चलता रहेगा, करंट एग्जिस्ट करे ठीक है, करंट डाट चेक करे कि करंट का जो डेटा है क्या वो टारगेट के इक्वल है, नहीं, टारगेट 30 है और इसकी वैल्यू 10 है, ये कंडीशन फॉल्स होगी। अब करंट के अंदर क्या करवा देगा, करंट डॉट नेक्स्ट, करंट इसको पॉइंट आउट करने लग गया, ये लिंक खत्म हो गया। अब दोबारा चेक करेगा कि अब यहाँ पे आ गए, अब पोजीशन 0 थी, क्या हो जाएगी, 1। अब दोबारा देखिएगा करंट एग्जिस्ट करे, हाँ हमारे पास करंट है। अब देखिएगा करंट और डेटा की वैल्यू 20 है, क्या ये टारगेट की इक्वल है, 30, नहीं, फॉल्स होगी। तो ये क्या, ये कंडीशन फॉल्स होगी, अंदर नहीं आएगा, इधर बाहर आ गया। और करंट के अंदर क्या स्टोर करवा देगा, करंट डॉट नेक्स्ट, इस करंट का नेक्स्ट क्या बनता है, ये नेक्स्ट वाला नोड। तो हम क्या करेंगे, अब दोबारा से आएगा और पोजीशन के अंदर 1 की जगह क्या कर देगा, 2। अब दोबारा आएगा, देखिएगा करंट एग्जिस्ट कर रहा है, हाँ करंट एग्जिस्ट कर रहा है, ये देखिए 30 को पॉइंट आउट कर रहा है। देखिएगा करंट डॉट डेटा है, डेटा 30 है, और क्या चेक करेगा, टारगेट इक्वल है, टारगेट की वैल्यू भी 30 है, तो ये कंडीशन ट्रू होगी। कि पोजीशन क्या रिटर्न करवा देगा, पोजीशन के अंदर देखिए क्या वैल्यू स्टोर हुई है, 2। तो ये क्या पोजीशन रिटर्न करवा देगा, यहाँ से रिटर्न 2 हो जाएगा, और वापस उसके पास पोजीशन होगी जहाँ से हमने लूप लगाया था। उस पर जाने से पहले बता दूं, अगर यहाँ पे कोई पोजीशन नहीं मिलती, इसका मतलब है टारगेट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो बाई निकल के फिर -1 रिटर्न करवाएगा। लेकिन ये तब आएगा जब ये सब एग्जीक्यूट हो जाएगा। अभी ये यहाँ से रिटर्न हो गया, तो रिमेनिंग कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, हमें पोजीशन मिल गई है, तो 2 है, इसने वापस रिटर्न करवा दी। अब इस सर्च वाले फंक्शन के पास क्या पोजीशन आई है, 2, तो ये इस पोजीशन के अंदर स्टोर हो गया है। अब ये देखेगा पोजीशन नॉट इक्वल टू, क्या ये -1 के तो नहीं है, -1 के मतलब है कि नोड एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। अगर ये -1 बिल्कुल नहीं है, तो इसका मतलब है वो नोड एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये क्या प्रिंट करवाएगा, नोड डेटा 30 फाउंड है पोजीशन 2। तो हमने देखा है डेटा 30 के साथ कौन सी पोजीशन 2 है, लेकिन अगर हम कोई ऐसी वैल्यू 40 दे देते, वो तो एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, तो फिर ये -1 रिटर्न करवा दें। ये बेसिकली सर्चिंग की, ये ओवरऑल सारे हमने ऑपरेशन देखे सिंगल लिंक लिस्ट के। तो अब हमने ये तो देख लिया, एक हम बेसिक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर उसके बाद ना मैं आपसे ना क्वेश्चन ले लूंगी हम। अच्छा, ये सिंगल लिस्ट के ये सारे ऑपरेशन थे, हमने देखे इंसर्शन डिलीशन सर्चिंग कैसे होती है। डब्ल्यू लिस्ट के भी यही होती है, लेकिन उसमें 2 पॉइंटर होते हैं। मैं जस्ट डब्ल्यू लिंक लिस्ट क्रिएट कैसे करते हैं वो कोड आपको बताऊंगी, बाकी आपने ना बाकी कोड यहाँ पे लिखे हुए हैं, आपने ना उनका बेशक ट्राई करना, पाइथन ट्यूटर पे जाके कर लेना है। डब्ल्यू लिंक लिस्ट का हम एक दफा देख लेते हैं कैसे क्रिएट होती है। अच्छा, ये डब्ल्यू लिंक लिस्ट का हमने मंडे को सिंगल लिस्ट देखा था, और डब्ल्यू लिंक लिस्ट का 2 पॉइंटर होते हैं। अगर आपने न्यू नोड बिगनिंग पे करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले का प्रीवियस देखिए, हेड इसको पॉइंट आउट कर रहा है, तो हम हेड न्यू वाले नोड को पॉइंट आउट करवाएंगे, और पहले वाले नोड का प्रीवियस नल करवाएंगे, और जो पहले से नोड एग्जिस्ट कर रहा है उसका प्रीवियस क्या करवा दूंगी, जो न्यू नोड आया है। ये बेसिकली इंसर्शन एट बिगनिंग होगी। अगर हम स्पेसिफिक पोजीशन पे करें, तो ये देखिए इसका नेक्स्ट ये वाला है ना, तो मैं इसका नेक्स्ट न्यू नोड का बना दूंगी, और न्यू नोड के प्रीवियस ये वाला कर दूंगी, और जो न्यू नोड आया है इसका नेक्स्ट क्या बनाऊंगी, ये 20 वाला, और 20 का प्रीवियस क्या हो जाएगा, ये जो 15 वाला नोड है, तो ये वाला लिंक बीच में से खत्म हो जाएगा। अब सेम ऐसे अगर आपने एंड पे करना है, तो जो न्यू नोड बनाऊंगी उसका नेक्स्ट नल कर दूंगी, और उसके प्रीवियस में क्या डाल दूंगी, ये 30 वाला नोड, और जो 30 नोड का नेक्स्ट होगा वो नल को पॉइंट आउट करा, तो उसको खत्म करके जो न्यू नोड आया है उसका नेक्स्ट नोड करवा दूंगी। अगर हमने डिलीशन बिगनिंग पे करनी है, तो मैंने ये नोड खत्म करवाना है, तो मैंने हेड को क्या प्रो, आ, आ,
फाइंड आउट कर लूंगी, किसके नेक्स्ट से भी नेक्स्ट किसको फाइंड आउट करवा दूंगी, तो ये बाय डिफॉल्ट खत्म हो जाएगा। और किस नोड का मैं प्रीवियस क्या कर दूंगी, नल कर दूंगी। अगर हमने डिलीशन स्पेसिफिक पोजीशन में करवानी है तो मैं इस नोड के नेक्स्ट में ये वाला नोड का नेक्स्ट स्टोर करवा दूंगी, और इसका ना इस नोड के नेक्स्ट में मैं क्या करूंगी, इसका नेक्स्ट स्टोर करवा दूंगी, और इसके प्रीवियस में ये वाला, ये नोड बाय डिफॉल्ट बीच में से खत्म हो जाएगा ये स्पेसिफिक पोजीशन में। अगर हमने लास्ट पे करनी हो, हमने लास्ट पे डिलीशन करनी है तो हम क्या करेंगे, लास्ट वाला पॉइंटर हमने देखा कि वो नल होता है, तो मैंने जो सेकंड लास्ट है ना, मींस जो प्रीवियस है, इसको मैं नेक्स्ट क्या कर दूंगी, नल कर दूंगी। तो ये क्या हो जाएगा, ये नोड ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा अगर मैं इसका नेक्स्ट नल कर दूंगी। वही है जैसे हम टू पॉइंटर्स का नेक्स्ट का भी नेक्स्ट का वो रख के ना करते हैं, जैसे हमने अभी प्रीवियस किया था। अगर आपने सर्चिंग करनी है तो आपने इंटायर करते जाना, जब आपको टारगेट वैल्यू मिल जाएगी तो आपने बस वहां पे रुक जाना, अगर नहीं मिलती तो आप एंड पे पहुंच जाए कि उसका नेक्स्ट नल हो गया, तो हम बेसिकली कुछ ना कुछ माइनस वन इस तरह रिटर्न करवा देते हैं। अच्छा, ये कुछ ऑपरेशन थे, इसमें जस्ट टू पॉइंटर होते हैं, बाकी सेम है प्रीवियस का भी होता है। मैं इसकी ना इम्प्लीमेंटेशन एक दफा देख लेती हूँ। जैसे हमने वहां पे नोड बनाया था, जस्ट उसका नेक्स्ट बना रहे थे, तो इसमें हम नोड का नेक्स्ट का भी पॉइंटर मेंटेन करेंगे और प्रीवियस का भी। तो अगर हम ये बात देखें, अब जैसे अगर मैं इसको रन करती हूँ, अभी मैं बना रही हूँ, अब हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, ये डब्ल्यू लिंग्विस्ट की क्रिएशन होगी, आप देखिएगा। फर्स्ट पॉइंट पे जैसे ही आएगा स्टार्ट में कोड, तो क्लास नोड आप देखिएगा बना लेगा। मैंने नेक्स्ट किया, आप देखिए एक नोड क्लास बना ली, उसने बता दिया उसमें एक मेथड है, फिर एक उसने अगली क्लास बना ली लिंग्विस्ट की। अब यहाँ पे है इसका डब्ल्यू लिंग्विस्ट का क्या बना लेगा, एक ऑब्जेक्ट बन गया। और जैसे आपको पता है जैसे ऑब्जेक्ट बनता है उसका कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली एक्सिक्यूट हो जाता है, तो ये एक हेड बना के उसका नल को पॉइंट आउट कर देगा जस्ट, क्योंकि ये क्लास जैसे ही बनती है तो हमने देखा था कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होता है, हमने इसको कॉल नहीं करते, ये ऑटोमेटिकली खुद ही हो जाता है। अब ये वापस आया, अब हमने पेंट का फंक्शन कॉल किया और 10 वैल्यू पास की। जैसे ही पेंट के पास आया, और इसने क्या करना है, न्यू नोड नोड वाली क्लास को कॉल करना है और एक नोड बना देना। अब आप देखिएगा जैसे नोड वाली क्लास के पास गया, थोड़ा सा ऊपर करके ये नोड वाली क्लास के पास आ गया, और यहाँ पे ये क्या करेगा, जैसे इसके पास आएगा डेटा के अंदर क्या स्टोर करवा दे, अब यहाँ देखिए एक डेटा के अंदर 10 स्टोर करवा देगा, एक डाटा बनाएगा, नोड एक न्यू नोड बना रहा है, इसके अंदर तीन चीजें बनाएगा, नेक्स्ट भी बना रहा है, और आप देखिए उसको नन डाल रहे हैं और प्रीवियस भी नन। अभी इनिशियली कुछ भी नहीं है, ये हम बाद में जब न्यू नोड आएगा तो तब उसके नेक्स्ट को फाइंड आउट करेंगे। अब ये नोड की क्लास यहाँ पे नोड बना दिया, अब ये वापस आ जाएगा, तो न्यू नोड हमारे पास एक बन चुका है। अब ये देखिएगा कि सर डॉट हेड एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो हाँ हमारे पास तो हेड एग्जिस्ट नहीं कर रहा, हेड देखिए नन है, तो क्या करेगा, जो हेड को इस न्यू नोड को पॉइंट आउट करवा देगा। जैसे ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, आप देखिए हेड जो है नन को पॉइंट आउट कर रहा था, हेड का नेक्स्ट इसको इस नोड को करने लग गया। अब ये दोबारा वापस चला जाएगा, दूसरी वैल्यू लेके आएगा डब्ल्यू में इसमें। अब आप देखिए फिर नोड क्रिएट करवाएगा, ये ऊपर जाएगा एक न्यू नोड, जहाँ देखिए साइड पे बनाएगा एक न्यू नोड 20 बना दिया। अब नोड तो बना देते हैं, लेकिन अब हमने इसको लिंक करवाना, अब असल लिंक का काम आएगा। ये वापस आ गया, इसने नोड क्रिएट करवा दिया, न्यू नोड वापस आ गया। आप देखिए जब न्यू नोड की लाइन एग्जीक्यूट हो, आप देखिएगा ऐसा है कि सर डॉट हेड एग्जिस्ट नहीं कर रहा, लेकिन हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा है। ये हमेशा तब ही रन होगा जब पहली दफा नोड बनेगा, हमने हेड को तो पॉइंट आउट करवा दिया, अब ये इसकी कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होगी, अब एल्स की होगी। जब पहला नोड बनेगा तो ये वाली कंडीशन एग्जीक्यूट हुआ करेगा, बाकी सब में एल्स की। अब करंट के अंदर क्या स्टोर करवाएगा, हेड को। अभी आप देखिए यहाँ करंट बनेगा और वो हेड को पॉइंट आउट करने लग जाएगा। ये देखिए मैं ये बात करती, जब सेल्फ डॉट हेड का मतलब होता है हेड पहले नोड को पॉइंट आउट कर रहा होता है, तो जब हम करंट में सेल्फ डॉट हेड करते हैं, इसका मतलब वो करंट पहले नोड को पॉइंट आउट करने लग जाता है। आप देखिएगा करंट का नेक्स्ट एग्जिस्ट कर रहे हैं, नहीं, करंट का नेक्स्ट देखिए नन है, तो ये वाइल लूप नहीं चलेगा। आप देखिए करंट का नेक्स्ट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ये करंट है और इसका नेक्स्ट नन है, ये वाइल लूप नहीं एग्जीक्यूट होगा, ये बाहर आ गया। आप देखिएगा करंट डॉट नेक्स्ट, ये करंट इसको पॉइंट कर रहा है, इसके नेक्स्ट में हमने इस न्यू नोड जो हमने बनाया ना, हमने इन दोनों को लिंक करवाना, तो मैं करंट डॉट नेक्स्ट में क्या डाल दूंगी, न्यू नोड को। आप देखिएगा इसका नेक्स्ट इसको फाइंड आउट करने लग जाएगा, जैसे ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, आप ये देखिए इसका नेक्स्ट इस न्यू नोड को फाइंड आउट करने लग गया।
अब न्यू नोड का तो हमने प्रीवियस भी बनाना, पहले नोड का तो हमने देखा था प्रीवियस ना नोड का, लेकिन हमने न्यू नोड का प्रीवियस भी तो बनाना है ना, तो प्रीवियस क्या होना चाहिए? इस वाले नोड का एड्रेस तो मैं न्यू नोड के प्रीवियस में क्या डाल दूंगी? करंट। करंट इस वाले नोड को पॉइंट आउट करा है तो मैं प्रीवियस में क्या डाल दूंगी? करंट। तो वो ऑटोमेटिकली आगे देखिए, न्यू नोड का जो थोड़ा सा मैं ऊपर करती हूँ, फिर आपको नजर आएगा। अब आप देखिए, अब ये जो डाटा है ना, इसका नेक्स्ट इसको पॉइंट आउट करा है, और इसका प्रीवियस देखिए इस नोड को कर रहा है। ये बेसिकली ये जो है, ये करंट इसको पॉइंट आउट कर रहा है, इसका जो नेक्स्ट है ना बेसिकली, ये देखिए ये एरो जा रहा है यहाँ पे कर रहा है, इसका नेक्स्ट सॉरी नन है, इसका प्रीवियस है, ये मैं नेक्स्ट बोल दी, इसका जो प्रीवियस है ये पिछले नोड को ही देखिए पॉइंट आउट कर रहा है, और इसका जो नेक्स्ट है वो नन है, ये लास्ट नोड। अगर हम इस नोड को देखें तो इसका नेक्स्ट इसको पॉइंट आउट कर रहा है, इस नोड पे आ रहा है, तो मीन्स ये 20 नोड। तो बेसिकली ये इस तरह हम लिंक क्रिएट करवाते हैं। अगर हम यही काम दोबारा से करें, अब ये वापस आ गया, अब यही काम नेक्स्ट वैल्यू के लिए करेगा। थोड़ा सा ऊपर करके आपको दिखाती हूँ। अब आप ये 30 वैल्यू बनाएगा एक नोड, ये सारा आपको दिखाऊँ, ये 30 डेटा जैसे पास हुआ तो बन जाएगा। एक मिनट मुझे थोड़ी सी स्क्रीन एडजस्ट करनी है। अच्छा, मैं दोबारा से रन करने का आपको विजिबल हो, ये बेसिकली सारा काम वही होगा। मैं इधर नीचे आती हूँ, अच्छा न्यू नोट बना, ये वापस किसके पास आया? डब्ल्यू लिंक अपेंड का फंक्शन कॉल हुआ, इसके पास आया, ये 30 वैल्यू बनेंगी। ये बेसिकली सारा वही काम करेगा जो हमने नोट 20 के लिए किया है, एक डाटा बनाएगा, फिर वही उसका अपेंड करेगा, पॉइंटर एडजस्ट करेंगे। तो बेसिकली ना ये डब्ल्यू लिंक लिस्ट कैसे क्रिएट करवाते हैं। अच्छा सेम ऑपरेशन, या थर्ड किसी वैल्यू के लिए, मैंने आपको 2 वैल्यू के लिए करके दिखा दिया। नीचे जो कोड है वो बेसिकली जस्ट प्रिंट करवा रहा है, करंट करता है तो करंट आ डेटा करवा दो, फिर उसको नेक्स्ट मूव करवा दो, फिर अगली दफा करंट की वैल्यू प्रिंट करवा दो। तो ये बेसिकली इसका था, डब्ल्यू लिंक लिस्ट कैसे क्रिएट करवाते हैं। बस इसमें डिफरेंस ये, आपको 2 पॉइंटर मेंटेन करने पड़ते हैं, और ये सारे कोड मैंने इसके लिए भी लिखे हुए हैं। बिगनिंग पे कैसे होगा कोड वाला, क्रिएशन का सेम है, जस्ट एक फंक्शन ऐड होगा इसमें, देखिएगा बिगनिंग पे इसमें 2 पॉइंटर मैनेज करने पड़ेंगे। फिर ये स्पेसिफिक पोजीशन पे होगा, फिर इंसर्शन, अब लास्ट पे वही अपेंड वाला एक फंक्शन कॉल होगा जो हमने ऊपर देखा था। इसमें जस्ट 2 पॉइंटर को आपको मैनेज करना पड़ेगा, बाकी कुछ भी नहीं है। फिर सेम ये डिलीशन बिगनिंग पे कैसे होगी, ये कोड है, जस्ट एक एक फंक्शन ऐड हुआ है, बाकी कोड सारा है वही है जो हमने देखा है। इसमें जस्ट नोड एट स्पेसिफिक पोजीशन पे डिलीशन करनी हो, और ये उसका कोड है, एक फंक्शन है इसमें। एंड पे अगर डिलीशन करनी हो, ये वो यहाँ पे ये फंक्शन है डिलीट एट एंड, ये वो सेम ही चीजें हैं, उस सिंगल लिस्ट से थोड़ा सा डिफरेंस होगा, आपको जस्ट प्रीवियस मेंटेन करना पड़ेगा इसमें। सेम इसी तरह इसमें सर्चिंग भी है, तो ये आप एक दफा जरूर कोड खुद देखिएगा। हम मैंने लिंक लिस्ट के सिंगल के सारे ऑपरेशन आपको बता दिए, तो ओनली एक ही डिफरेंस है, प्रीवियस पॉइंटर होगा, बाकी ऑपरेशन सेम है, इम्प्लीमेंटेशन हुई भी है। आप एक दफा इसको पाइथन ट्यूटर पे करके देख लीजिएगा। कल से हम लीड को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमने ये कल करना था, कल क्लास नहीं हो सकी वेबिनार की वजह से, तो इस वजह से। और अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले, हम कल से लिंक लिस्ट के लीड कोड क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। मैम, ये जो करंट फ्राइडे है, इसमें हम सेशन दे सकते हैं? मतलब हम क्या प्रेजेंट कर सकते हैं? मैम, हुआ, मुझे आपका क्वेश्चन नहीं समझ आया। मैं ये कह रहा हूँ कि जो फ्राइडे है, क्या इस फ्राइडे हम प्रेजेंट कर सकेंगे? जी इस फ्राइडे को कर सकते हैं, लेकिन इस फ्राइडे को ये कि आपने ना लिंक लिस्ट से रिलेवेंट एक क्वेश्चन प्रेजेंट करना है, जो टॉपिक हो रहा होगा वीक में, जी मैम, बेशक आप प्रेजेंट करें, क्योंकि थर्सडे को कल मैं लीड कोड के करवा दूंगी, तो पार्टिसिपेंट भी बेसिकली लिंक लिस्ट के ही कर रहे हैं, तो वो फ्राइडे को कर सकते हैं।
ओके okay. अच्छा, और किसी का क्वेश्चन है तो वो पूछते हैं। अच्छा, समझ आ गया सबको इंग्लिश का कॉन्सेप्ट? यस मैम, समझ आ गया. ओके, कोई क्वेश्चन है? अगर नहीं भी समझ आया आपको, डब्ल्यू इसको भी ट्राई किया जाएगा। मैंने थोड़ा सा फास्ट मूव किया क्योंकि हमारे कल की क्लास नहीं हुई, तो और हम नेक्स्ट वीक क्योंकि बाइनरी सर्च का टॉपिक करेंगे। ये सारी विजुअलाइजेशन हुई भी है, आप जरूर स्लाइड्स को देखिएगा, ये भी एक्सेसिबल है। मैं अपनी ये स्लाइड पे पिन है, लेकिन मैं अपनी गिटहब का भी लिंक शेयर कर दूंगी, वहां पे रिकॉर्डिंग और स्लाइड्स दोनों एक साथ पड़ी हुई है एक ही लिंक में। ये वही है, ऑरेंज वाला ये बता रहा है कि हमने ये नोट डिलीट करना है। डिलीट करने के बाद क्या होगा? जैसे अगर आप स्लाइड में देखे तो मैंने बताया नल पॉइंटर ये खत्म करेंगे, तो इसका नेक्स्ट ये नहीं। बेसिकली यही सारे पॉइंटर हमने ना कोड में भी मेंटेन करने हैं। ये विजुअलाइजेशन मैंने इसलिए किया, अगर आप इसको देखने से पहले ना कोड को देखने से पहले विजुअलाइजेशन को जरूर देखिए। ये मैंने इसलिए बनाई है ताकि ना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जैसे अगर आप इसका नेक्स्ट नल कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको ना इसके नेक्स्ट में न्यू नोड का नेक्स्ट स्टोर करवाना होगा। अगर आप इंसर्शन एंड पे कर रहे हैं और न्यू नोड को प्रीवियस ये वाला करना होगा, उसका पहले नेक्स्ट नल था तो आपको फिर इसका करना होगा। तो ये बेसिकली दो पॉइंटर्स मेंटेन होते हैं उसमें। जैसे हम वन को देख रहे होते हैं इसमें, और डिफरेंस में डब्ली कहते हैं इसी पर, प्रीवियस का एड्रेस कर रहे होते हैं। तो अगर आज यही कॉन्सेप्ट था, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है आप पूछ लें, कुछ समझ नहीं आया, रिकॉर्डिंग वैसे भी अवेलेबल होती है, आप जरूर देखिए। अगर आपको नहीं समझ आता तो आप नेक्स्ट पे आके जरूर पूछिए। किसी और का कोई क्वेश्चन है? मैम, ये लिंक लिस्ट यूज किस तरह क्यों करते हैं हम? मतलब जिस तरह हमारे पास डिफरेंट डेटा टाइप जो दूसरी हैं, जिस तरह हमारे पास अरे हो गया, उसकी तो समझ आती है कि सारा एक जैसा डेटा है, उसमें हम जो है मतलब डिफरेंट, या फिर डिक्शनरी जिस तरह हो गया, मतलब उसके अंदर हम किसी क्लास के स्टूडेंट का रोल नंबर और उसके साथ की वैल्यू में जो है हम उसका नाम सेव कर सकते हैं. तो ये लिंक लिस्ट की आपको एक एग्जाम्पल दे सकती है कि हम इसको किस तरह यूज कर सकते हैं? अच्छा, इसके ना एक तो कुछ ये भी बेनिफिट्स हैं जैसे हमने देखा था। अच्छा, एक स्लाइड मैंने नहीं देखी शायद, हमने इसमें हमने देखा था एरे में अगर आप एक्सेस करते हैं ना तो ओ ऑफ वन से कर लेते हैं, लेकिन इसमें ना आपको ओ ऑफ एन ऑपरेशन पर काम करने पड़ते हैं, क्योंकि आपने ना पूरी एरे टाइप लिस्ट ट्रैवर्स करना है जब तक आपको टारगेट नहीं मिलता। लेकिन यहाँ पे हम इंडेक्स से कर लेते हैं। अगर हम यहाँ पे इंडेक्सिंग नहीं होती ना लिंक लिस्ट के अंदर, तो आपको पूरी ट्रैवर्स करनी पड़ती है। आपने देखा इंसर्शन एंड डिलीशन में ना हम उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए डाइवर्स करते हैं, लेकिन एक्चुअली में ना हमें जस्ट ओ ऑफ वन ऑपरेशन चाहिए होता है। आपने जस्ट पॉइंटर मूव कर देना है, इसका नेक्स्ट से नेक्स्ट कर दिया, तो इसमें जो इंसर्शन डिलीशन होती है वो ओ ऑफ वन होते हैं। लेकिन अगर आप पूरा हेड से लेकर एंड तक डाइवर्स करें तो ओ ऑफ एन हो जाती है। कुछ में ये है कि ये फास्ट भी है, और दूसरी बात इसके कुछ यूज केसेस हैं वो मैं आपको, आई थिंक अभी क्लास खत्म होगी होने वाली है, और जब नेक्स्ट सेशन स्टार्ट होता है तो पिछली क्लास ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है। अच्छा, ये मैं आपको सुबह जरूर बताऊंगी इसके यूज केसेस, लेकिन कुछ बेनिफिट्स भी हैं जिसकी वजह से हम, जैसे इसकी इंसर्शन डिलीशन ओ ऑफ वन में हो जाती है, क्योंकि एरे में हमने देखा था पूरी रीअरेंज होती है एक मेमोरी स्पेस, तो इसमें ना कंटिगियस मेमोरी लोकेशन नहीं होती, इसमें ना मेमोरी में कहीं भी स्टोर होता है, जबकि एरे में हमने देखा था कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशन होती है। अगर एक चीज बीच में डिलीट इंसर्ट होती है सब कुछ रीअरेंज होता है, तो इस वजह से इंसर्शन डिलीशन फास्ट होती है। लेकिन अगर आप ट्राइवर्स करके जा रहे हो ना वन बाय वन जैसे हमने देखा, तो उस केस में आपका क्या हो जाता है, आपकी ऑफ एन हो जाती है। एक ये भी रीजन है इसको यूज करने की, कुछ ऑपरेशन अगर आपके पास ऐसा यूज केस आता है कि आपको फास्ट ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं तो आप